देवरिया नरसंहार में ग्राम सभा की जमीनों पर किसने कब्जा किया था? किसने उस पर आलीशान मकान बना दिया? क्या ये जमीन सत्यप्रकाश के भाई की थी? सत्यप्रकाश ने कोर्ट केस में क्या दलीलें दी थी? ये अवैध मकान किस तरह से बचा रहा? क्या प्रेमचंद का अवैध निर्माण ढहाया जाएगा? ये तमाम सवाल के जवाब अब सबके सामने आ गए हैं। देवरिया के फतेहपुर गाँव के अभयपुर टोले में खलियान नवीन प्रति वन और मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर बने दबंग प्रेमचंद का अवैध निर्माण ढहाया जाएगा। तहसीलदार रुद्रपुर की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। सुनवाई के दौरान तहसील परिसर में पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। शाम को पुलिस ने प्रेमचंद के समर्थकों व सपाइयों को परिसर से बाहर कर दिया। फतेहपुर के लहरा टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हक हिस्से की संपूर्ण भूमि प्रेमचंद व उसके भाई आरोपित रामजी यादव ने बैनामा कराया था, जिसकी कानूनी लड़ाई सत्यप्रकाश दुबे लड़ रहे थे। साथ ही खलियान नवीन प्रति वन व मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर प्रेमचंद व उसके स्वजन का अवैध कब्जा होने के मामले की लड़ाई भी वो लड़ रहे थे। भूमि विवाद में 2 अक्टूबर की सुबह लहरा टोले में प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई, जिसके प्रतिशोध में प्रेमचंद के स्वजन व उनके समर्थक ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी व 1 बेटी की लाठी डंडे धारदार हथियार व गोली मारकर हत्या कर दी। सामूहिक नरसंहार के बाद प्रशासन की नींव टूटी। 3 अक्टूबर को राजस्व कर्मी ने सरकारी भूमि की पैमाइश की तो प्रेमचंद के पिता राम भवन यादव, चाचा परमहंस यादव व गोरख यादव का अवैध कब्जा पाया गया। आरोपितों के अवैध कब्जे को ढहाने के लिए रुद्रपुर तहसीलदार कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत 5 मुकदमे दाखिल किए गए, जिसमें शनिवार को सुनवाई की गई। आरोपित रामजी यादव की पत्नी किरण देवी ने पैमाइश को गलत बताते हुए आपत्ति जताई, जिसके बाद सोमवार को फतेहपुर गाँव में तहसीलदार अरुण यादव ने कोर्ट लगाया और दोबारा भूमि की पैमाइश कराई। प्रेमचंद के पिता राम भवन के खलिहान की 5 डिसमिल वन व नवीन प्रति की 1.5 डिसमिल भूमि पर कब्जा किया गया है। 6.5 डिसमिल पर मकान बना है और शेष भूमि उनके कब्जे में है। प्रेमचंद के चाचा गोरख यादव ने खलिहान की 1.5 डिसमिल व परमहंस यादव ने खलिहान की 2 डिसमिल भूमि पर अवैध निर्माण कराया है। तहसीलदार अरुण यादव ने मंगलवार को तारीख निर्धारित की थी। किरण देवी ने अपने अधिवक्ता गोपी यादव के माध्यम से फिर आपत्ति दी। तहसीलदार ने सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित रखा। उम्मीद है कि जल्द ही अवैध निर्माण ढहाने का आदेश सार्वजनिक किया जाएगा। रजनीश राय मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा, अवैध निर्माण के मामले में तहसीलदार रुद्रपुर ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है और जल्द ही बेदखली का आदेश दिया जाएगा।